परमेश्वर के लोगों, प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से जनवरी 25वां तारीख में आप सबको मैं स्वागत करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं। हर दिन हम जो देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर सुबह उसका अनुग्रह बिल्कुल नया है। परमेश्वर के नाम के द्वारा हम इस दिन को देख पा रहे हैं और इस दिन परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर आशीष में हम जीते रहें। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ जीकर, उसके साथ रहकर, उसके साथ चलकर, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चलने का भाग्य परमेश्वर हमें दे रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। इसी बीच हर दिन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, अभी भी परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ तो आप भी उस वचन को पढ़ें और उसका उच्चारण करें, ठीक है। प्रेरितों के काम 1:8 पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर की आत्मा हर दिन जब हमें चलाता है तो एक चीज को लेकर बिल्कुल सही समझ या साफ सुथरा समझ हमें होना जरूरी है। वह क्या है? हमारे मसीह जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं और उसमें मुख्य है गवाही। दो तरह की गवाही है, एक गवाही बोलना। साधारण रूप से हम कहते हैं यीशु ने हमें उद्धार दिया, मैं उसका बच्चा जी रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे काम दिया, मुझे परिवार दिया। इन सभी चीजों को जो है हम गवाही के रूप में बोलते हैं। दूसरा एक है, वह क्या है? गवाही बनकर जीना। ये भाई ऐसे हैं, ये छोटे भाई ऐसे हैं, ये सेवकाई परमेश्वर के वचन को बोलने वाली सेवकाई है, बिल्कुल साफ सुथरा वचन परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। उस अधिकारी की तरह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उस अध्यापक की तरह बहुत ही अद्भुत रीति से सिखाने वाले कोई और नहीं है। वो प्रचारक जो है, ऐसे अच्छे प्रचारक को परमेश्वर हमारी कलीसिया को दिया है। ऐसा गवाही पाना कलीसिया में, जो कितना अपने आप को मिला लेते हैं, सबसे बढ़कर हमारे पड़ोसी परमेश्वर से जो हमारा प्रेम है, वही प्रेम हम अपने पड़ोसी से दिखाते हैं। बहुत ही ध्यान से अपना जीवन जीते हैं। ऐसी एक गवाही की जीवन आज हमें बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजों में शैतान हमारी गवाही को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करता है। हर दिन सुबह उठकर, हे परमेश्वर मेरी गवाही को मैं सुरक्षित रखूं, मेरी नजरों में, कामों में, मेरी सोचों में, मेरे चाल चलन में, अपने कपड़ों में, कपड़ा बहुत जरूरी है। हे परमेश्वर, हे पिता, दूसरों को पाप में गिराने लायक मैं ना पहनूं। ऐसी गवाही हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे जिंदगी में होनी चाहिए। सुबह उठकर ऐसे परमेश्वर से जब तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही अनुग्रह पूर्वक आपको चलाएगा। तो आज इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें, हमारे पवित्र परमेश्वर, गवाही बोलने से बढ़कर गवाही का जीवन जीना है, उत्तम है। आज इसके बारे में हमसे बात किया, तेरे बच्चों को ऐसा एक भार दिया है, परमेश्वर चलाने वाला है, सारी महिमा तेरी ही हो। तेरे बच्चे गवाही बन कर रहे, बच्चों के बच्चे गवाही बन कर जिए, ऐसे ही उन्हें सुरक्षित रख ले, समाज में, कलीसिया में, सभी चीज में गवाही बन कर रहे, पवित्रता में जीते रहे। जो जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हजार गुना उन्हें आशीषों से भरपूर कर। इस अद्भुत से छोटे संदेश को जो शेयर कर रहे हैं, सभी शेयर करने वालों को आशीष दे, ब्लेस करो परमेश्वर, बहुत ही करोड़ों लोगों को आशीषों का कारण बनकर रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर की इच्छा, तो फिर मिलेंगे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।